हेलो चिल्ड्रन हाउ आर यू ऑल आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड चिल्ड्रन लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज स्पोर्टिंग रूल्स रूल्स आर द बैकबोन ऑफ एनी स्पोर्ट्स नो स्पोर्ट्स कैन बी प्लेड विदाउट रूल्स डू यू नो अबाउट रूल्स एप्लीकेबल इन डिफरेंट स्पोर्ट्स राइट यस और नो इन द बॉक्स गिवन बच्चों रूल्स जो होते हैं वो किसी भी स्पोर्ट का बैकबोन माने जाते हैं ठीक है कोई भी स्पोर्ट आप खेल ही नहीं सकते बिना रूल्स के यहाँ पे हमें कुछ रूल्स के बारे में बताया गया है ठीक है अगर वो करेक्ट है तो आप यस yes लिखेंगे अगर वो करेक्ट नहीं है तो आप नो लिखेंगे फर्स्ट इन 2020 क्रिकेट डज द पावर प्ले सेशन एंड एंड आर द फील्डिंग स्ट्रिक्शन रिकलैक्सड आफ्टर सिक्स ओवर्स तो उसका आंसर है बच्चों यस ठीक है सेकेंड इन क्रिकेट कैन आर बैटर बी रन आउट ऑफ अ नो बॉल इसका आंसर है बच्चों यस ठीक है एक बैटर को आप रनआउट दे सकते हैं थर्ड इन फुटबॉल इफ अ डिफेंडर इज द टू गोल द बॉल अप विद हिज हर हैंड बच्चों यहाँ पे पूछा गया है फुटबॉल में अगर डिफेंडर जो होता है वो गोलकीपर की तरफ वापस बॉल को फेंक देता है तो क्या गोलकीपर को अलाउड होता है कि वो बॉल्स को हाथ से उठाकर वापस फेंक सके नहीं उसे अलाउड नहीं होता अगर वो बॉल को हाथ लगाता है तो फिर फ्री किक जो होती है वो ऑपोजिट टीम की तरफ चली जाती है मतलब उनको एक फ्री हिट मिल जाती है तो इसका आंसर है नो फोर्थ इन फुटबॉल कैन द डिफेंडर द बॉल बैक टू हिज गोल कीपर इसका आंसर है बच्चों यस फिफ्थ इन कबड्डी वाइल्ड अटैकिंग योर ओपोनेंट्स इफ यू मैनेज टू गेट अ हैंड अक्रॉस द लाइन आफ्टर टचिंग एन ओपोनेंट इज द प्लेयर आउट यस yes, अगर आप किसी को टच कर लेते हो और अपनी लाइन को भी आप टच कर लेते हो उसको टच करने के बाद तो वो जो प्लेयर है वो क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा सिक्स इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल आर थ्री मेंबर्स ऑफ अ टीम परमिटेड टू प्ले टच द बॉल ईच टाइम बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि वॉलीबॉल के गेम में जो थ्री मेम्बर्स होते हैं टीम के उनको क्या बॉल को टच करना अलाउड होता है हर बार तो इसका आंसर है येस yes. सेवंथ इन अ रिले इन एथलेटिक्स इफ अ टीम में ड्रॉप द बैट ऑन ड्यूरिंग द चेंज ओवर और एट सम अदर टाइम इज द टीम डिस्कालीफाइड फ्रॉम द रेस येस वो डिसक्वालीफाई हो जाएगी अगर आपके हाथ से बैट ऑन छूट जाता है रनिंग करते समय या पास करते समय एट इन बास्केटबॉल कैन यू पास द बॉल बैक टू आर टीम मेट हु इज स्टिल इन योर हाफ ऑफ द कोर्ट वाइल यू आर इन द ओपोनेंट्स हाफ तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, यस नाइन्थ इन फील्ड हॉकी इज इट कंपल्सरी फॉर अ गोल कीपर टू वेयर अ फेस मास्क यस हॉकी की फील्ड में जो गोलकीपर होता है उसे फेस मास्क पहनना जरूरी होता है क्योंकि उसके बॉल लग सकती है टेंथ वाइल्ड सर्विंग इन बैडमिंटन कैन योर रैकेट मेक कॉन्टेक्ट विद द शटल कॉक योर वेस्ट नहीं वो आपके वेस्ट से ऊपर की हाइट पे नहीं टच कर सकती बैडमिंटन को इलेवेंथ वाइल प्लेंग डबल इन टेबल टेनिस डू यू एंड यूर पार्टनर हैव टू प्ले ऑल्टरनेट शॉट्स तो इसका आंसर है येस ट्वेल्थ ऑफ द ट्वेल्व मेंबर्स इन अ खो खो टीम डू नाइन कम्स ऑन द फील्ड टू प्ले द गेम अब यहाँ पे पूछा गया है कि टेन मेंबर्स जो खो खो की टीम होती है उसमें से जो नाइन होते हैं वो ही फील्ड में आते हैं खेलने के लिए तो इसका आंसर है येस जो रनर होता है वो आपको क्या करना चाहिए पिक होना चाहिए मतलब जो भागने वाले लोग होते हैं वो आपके रन करने के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं बाकी के जो नौ प्लेयर्स हैं वो क्या होते हैं बैठे हुए होते हैं किसमें खो खो के मैच में तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से में आ गया अब इसका रिविजन और उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे